गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भुवनेश्वर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और क्वेश्चन नंबर 14 तक की सारी वीडियो मेरी यूट्यूब पे अपलोड है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर कहीं भी पीछे के लिए प्रॉब्लम्स आती है तो वो जा सकता है। सीक्वेंस वाइज टी एस ग्रेवाल के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 आज जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर स्कूल के एग्जामों में पूछा जाता है। किसी भी स्कूल का पेपर है आपका, एग्जामिनर ये क्वेश्चन देगा ही देगा, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड देगा। ये क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेंगे, वो है ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन। ओवरड्राफ्ट को मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है जब आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस ना हो और बैंक आपको माइनस में भी पेमेंट कर देता है तो वो बन जाता है ओवरड्राफ्ट। ये बैंक हर कस्टमर को देता है जो अपने प्रीमियम कस्टमर होते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज बैंक से लेनी पड़ती है तो बैंक आपकी एक लिमिट बांध देता है कि आप इतने तक का ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मैंने बैंक से 50,000 का ओवरड्राफ्ट कराया, ओवरड्राफ्ट की लिमिट सेट करा दी। अब बैंक क्या करेगा, मेरे चेक की पेमेंट करता रहेगा कब तक, मेरे खाते में अगर पैसे नहीं भी होंगे पर लेकिन 50,000 तक। मान लेते हैं मेरे खाते में 30,000 रुपए हैं, ठीक, और मैंने 40,000 का चेक दे दिया। खाते में कितने हैं, 30, लेकिन चेक कितने का दे दिया मैंने, 40। अगर मेरे पास ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज नहीं है तो बैंक इस चेक को इनसफिशियंट बैलेंस के नाम से बाउंस कर देगा। भाई पार्टी के अकाउंट में इनसफिशियंट बैलेंस है, इसका पेमेंट नहीं हो सकता क्योंकि खाते में पैसे नहीं है। लेकिन अगर मैंने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज ले रखी है, ऐसे केसेस में क्या करेगा बैंक, उसका पेमेंट कर देगा क्योंकि मेरी लिमिट 50,000 है और मैं कितने मांग रहा हूँ बैंक से, 10,000, ठीक है ना, समझ में आ गया। खाते में 30 है, मैंने पेमेंट 40 का कर दिया, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज 50 की है तो बैंक इसका पेमेंट कर देगा। तो ओवरड्राफ्ट के केसेस में आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट के दिए हुए हैं। तो अभी तक आपने बैलेंस में देखा था कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन ओवरड्राफ्ट के केसेस में क्या होता है, हमें इंटरेस्ट देना होता है बैंक में। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे आपने पिछले किए, सिर्फ इंटरेस्ट वाले केस में ध्यान रखना। ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, आपने बैंक से लोन लिया एक तरह से और लोन पे इंटरेस्ट बैंक आपसे लेगा और बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट देगा, क्लियर। बाकी क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, सेम वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 1 कराते हैं, 15th क्वेश्चन टी एस ग्रेवाल का, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2024 नरेश हैड ओवरड्राफ्ट 40,000 शोन द कैश बुक। तो क्वेश्चन नंबर 15 कैश बुक, ओवरड्राफ्ट, कैश बुक और पासबुक, ठीक है। कितने का ओवरड्राफ्ट है, 40,000 का। 40,000 का ओवरड्राफ्ट है तो ये माइनस में आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखें 40,000 का ओवरड्राफ्ट है कैश बुक में, यहाँ पे माइनस हो गया। चेक अमाउंटिंग 10,000 हैड बीन डिपॉजिट बाय हिम बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 1 जनवरी 2024। ये बन रहा है 1 जनवरी 2024 के लिए, 1 जनवरी 2024 का ये दे रहा है आपको, तो 1 जनवरी 2024 तक की डेट ध्यान रखनी है आपको। तो 31 यहाँ ना ध्यान करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 1/01/2024, ठीक है। 10,000 रुपये के चेक डिपॉजिट किए, तो 10,000 के जब हमने चेक डिपॉजिट किया हमारे यहाँ तो प्लस, बैंक में जमा नहीं हुए तो बैंक में क्या रहा बैलेंस, माइनस, ठीक। फिर ही इशूड चेक 7,000 वर्ड प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट अप टू द डे। उसने चेक इशू किए 7,000 के परंतु वो प्रेजेंट ही नहीं हुए, नॉट प्रेजेंट लिखा हुआ है। हमने चेक इशू किया तो हमारे खाते से माइनस हो गया परंतु वो बैंक में नहीं गया तो बैंक में क्या बैलेंस रहा, प्लस। नेक्स्ट फिर देखें, देयर वॉज द डेबिट इन पासबुक 600 रुपये इंटरेस्ट और 500 रुपये बैंक चार्जेस। 600 रुपये इंटरेस्ट माइनस रहा बैंक में और 500 रुपये बैंक चार्जेस। 600 रुपये क्या है, इंटरेस्ट और 500 रुपये बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कहाँ माइनस होते हैं, बैंक में, हमारे क्या रहेंगे, प्लस। अब यहाँ पे प्लस माइनस वाला साइन ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो माइनस वाले साइन कौन से हैं हमारे, 40,000 के। तो यहाँ पे ये वाले माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, पहले हम क्या करते थे प्लस वाले ऐड करते थे लेकिन अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का कितना है 10,000, माइनस का कितना है 600, माइनस का कितना है 500, तो जोड़ो 51,100 माइनस का बैलेंस। अब प्लस का देखो कितना है 7,000, तो 51 में से 7,000 लेस करो, 44,100, साइन माइनस का ही आएगा तो यहाँ लिखा आएगा ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक।
अब रिकंसिलेशन बनाना बहुत आसान है, वहां पे आप क्या करते थे, बैलेंस दिखाता तो प्लस में दिखाते थे, यहाँ पे साइन क्या है स्टार्टिंग में ही, तो आपको माइनस में ही दिखाना है। तो यहां लिखोगे ओवर ड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस, जो किताब में लिखा है वो लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या ये भी कह सकते हो कैश बुक ओवरड्राफ्ट, कैश बुक ओवरड्राफ्ट माइनस में 40,000। क्लियर है यहां तक? अब आप पहली ट्रांजेक्शन क्या है 10,000 की, 10,000 का था चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है। बट नॉट क्लियर कितने का 10,000, और ये माइनस है तो ये माइनस वाले कॉलम में जाएगा 10,000। दूसरी एंट्री क्या है, चेक इशू किए थे हमने बट नॉट प्रेजेंटेड, और पेमेंट कितने का 7,000, ये प्लस में है तो प्लस में ले जाओ। तीसरी एंट्री है बैंक इंटरेस्ट, फोर्थ एंट्री है बैंक चार्जेस। बैंक इंटरेस्ट क्या है माइनस में है, माइनस में ले जाओ, बैंक चार्जेस भी माइनस में है माइनस में ले जाओ, और माइनस का टोटल है 51,100। तो यहाँ भी 51,100 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये इधर है बैलेंस, तो अगला बैलेंस इधर आएगा 44,100। तो यहाँ लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट्स? तो यहाँ देखा आपने पासबुक के ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ठीक है। ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इस तरह से आपने देखा कि ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार आप करना स्टार्ट करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप करें, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो ऑनलाइन व्यूअर्स मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, जल्दी उनके एक वीडियो बना के जरूर दूंगा, और कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस जरूर करें, बस ये ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।